हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त और रोस्टर माथुर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हुंडई अल्काज़ार, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। वाइट कलर के अंदर दोस्तों गाड़ी देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। जो दोस्तों इसकी लाइटों का डिज़ाइन दे रखा है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों जो इसकी DRL में जो हैजिंग दे रखी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। लाइट जो इसमें आपको कनेक्टेड में मिल जाती है, पैनो ब्लैक में दोस्तों इसकी आपको ग्रिल दी हुई है। नीचे आपको हेडलाइट मिल जाती है और हेडलाइट का जो थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छा है। नीचे दोस्तों आपको सिल्वर फिनिशिंग प्लेट मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ। आप फ्रंट में आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। आइए दोस्तों मैं आपको साइड प्रोफाइल और दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, हाँ दोस्तों आपको DCD की बैजिंग मिल जाती है। ORVM हम दिए हुए हैं, वो बॉडी कलर में दिए हुए हैं। यहीं आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, आपको 360 कैमरा मिल जाता है। और दोस्तों जो इसके लाइव व्हील का डिज़ाइन दे रखा वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों इसमें आपको 18 इंच में लाइव व्हील मिल जाते हैं और फ्लावर टाइप में जो इसका है लाइव व्हील का डिज़ाइन दिया हो काफ़ी प्यारा लग रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे भी दोस्तों आपको डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। यहाँ जो टायर साइज मिल जाता है वो आपको 215 रहता है। और ओवरऑल दोस्तों काफ़ी बड़ा टायर साइज दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो पैनो ब्लैक में इसमें साइड बीटिंग दे रखी है वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और दोस्तों नीचे आपको सिल्वर फिनिशिंग प्लेट मिल जाती है। ये भी पियानो ब्लैक और सिल्वर फिनिशिंग का डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस भी अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी भी है। बॉडी कलर में आपको ORVM मिल जाते हैं, इसी में आपको मैट ब्लैक में, मैट क्रोम में इसके दोस्तों हैंडल दिए हुए हैं। और वो दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही है। साइड प्रोफाइल ऊपर आपको सिल्वर फिनिशिंग में रूफ रेल मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों पीछे वाली थर्ड रो का जो मिरर का साइज दिया हुआ वो भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। आइए दोस्तों मैं आपको बैक प्रोफाइल और दिखाते चलता हूँ। ऊपर आपको सार्फिक एंटीना मिल जाता है, जो स्पॉइलर दिया हुआ है पैनो ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको डिफोगर मिल जाता है, यहाँ वाइपर दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसमें आपको हुंडई का लोगो दिया हुआ देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो दोस्तों इसकी बैक लाइट दी हुई है उनका डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कनेक्टेड में दोस्तों आपको इसकी हेडलाइट मिल जाती है। दोस्तों कनेक्टेड में आपको इसकी टेल लाइट मिल जाती है। और बीच में दोस्तों आपको अल्काज़ार की बैजिंग मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें इस सिल्वर फिनिशिंग में टेक्चर दे रखा हो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। पीछे आपको टर्बो की बैजिंग मिल जाती है, सिग्नेचर की बैजिंग मिल जाती है। और जो दोस्तों सिल्वर फिनिशिंग में पीछे बम्फर में डिज़ाइन दे रखा हो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। पीछे आपको चार चार सेंसर मिल जाते हैं। और दोस्तों आपको पार्किंग लाइट यहाँ मिल जाती है, बैक करते हैं तब ये वाली लाइट जलती है। और दोस्तों जो इसके एग्जॉस्ट का साइज डिज़ाइन दे रखा वो भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे आपको स्टेपनी मिल जाती है इसमें, यहाँ से दोस्तों आप फ्यूल डलवा सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको इसका बूट स्पेस और दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे, आप इसमें तीन बड़े बड़े सूटकेस आराम से रख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको बूफर मिल जाता है, बोस का बूफर दिया हुआ है। तो यहाँ दोस्तों आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ एंगी के लिए दिया हुआ है। यहाँ आपको दोस्तों जो बूफर का की वायरिंग है वो यहाँ मिल जाती है। यहाँ आपको जैक मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको इसमें बैक कैमरा मिल जाता है। ये दोस्तों मैं आपको अंदर से और दिखा देता हूँ अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक में इसकी सीट दी हुई है, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अब जैसे मैंने खिड़की खोली तो पीछे अपने आप हो गई है, आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ आपको चार पावर विंडो मिल जाते हैं, लोकल लॉक के लिए दिया हुआ, ORVM को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सिल्वर में दोस्तों आपको इसके हैंडल मिल जाते हैं, आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। और दोस्तों ये सिल्वर फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें आपको बोस के स्पीकर मिल जाते हैं, आचे दोस्तों फ्यूल ओपन कर सकते हैं। आइए दोस्तों अंदर एंट्री कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि इसके मीटर का डिज़ाइन भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दोस्तों जो इसका स्टेयरिंग दिया हुआ है डी कट में वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ से दोस्तों आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फ़ोन उठा काट सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और दोस्तों स्टेयरिंग देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, ऑटो में डे नाइट ऑटो में दोस्तों इसकी हेडलाइट मिल जाती है। जैसे अभी परले वाली खिड़की खुली हुई है तो
वो इसके मीटर में एडी दिखा रहे हैं। अब जैसे उसको बंद कर देते हैं तो अब बंद हो गई। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ। और दोस्तों कनेक्टेड में इसका मीटर मिल जाता है जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ही कनेक्ट है, और देखने में दोस्तों काफ़ी प्यारा लग रहा है। और दोस्तों जो इसके इंटीरियर में दोस्तों ब्राउन और ब्लैक का कम्बिनेशन दे रखा हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें दोस्तों आपको सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं, और इसमें एसी के ब्लोरो का डिज़ाइन दे रखा हो, देखने में काफ़ी प्रीमियम फील करवा रहा है। यहाँ दोस्तों आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 12V का सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट दिया हुआ है। और दोस्तों ऑटोमेटिक में इसका AC मिल जाता है, ऑटोमेटिक में ये वाला वेरिएंट है। और दिल्ली के अंदर ऑटोमेटिक गाड़ी का ही मजा है। इलेक्ट्रिक में आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, 360 कैमरा के लिए मिल जाता है। यहाँ दोस्तों आपको ड्राइव मोड मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए मिल जाता है स्विच। दोस्तों आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और दोस्तों चाबी का डिज़ाइन भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। लॉक अनलॉक करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। और दोनों चाबियों का डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों गाड़ी अंदर से काफ़ी प्रीमियम फील करवा रही है। और यहाँ दोस्तों आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ आपको मिरर दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ दोस्तों आपको 2 लाइट मिल जाती हैं। यहाँ से दोस्तों आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। पैनोरामिक वाला दोस्तों सनरूफ मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सनरूफ दिया हुआ है। दोस्तों जो इसमें आर्म रेस्ट दिया हुआ है उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ, काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है दोस्तों इसके अंदर। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी अंदर से काफ़ी प्रीमियम फील करवा रही है। और दोस्तों सीटों का जो थाई स्पोर्ट दिया हुआ वो काफ़ी बड़ा दिया हुआ, काफ़ी बड़ी सीटें दी हुई है। और जो इसकी दोस्तों कुशनिंग दी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। और दोस्तों इलेक्ट्रिक में दोस्तों आपको इसकी सीट मिल जाती है, वो कंडक्टर साइड वाली भी, पैसेंजर साइड वाली भी आपको इलेक्ट्रिक में सीट मिल जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, दोनों फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी। जैसा कि आप देख रहे हो फ्रंट वाली के स्विच यहाँ दिए हुए, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और दोस्तों जो इसमें स्टेयरिंग दिया हुआ है वो टिल में दिया हुआ, टेलीस्कोपिक में नहीं दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसकी सीटें दी हुई है मैमरीन वाली दी हुई है। यहाँ जैसे भाई आप इसको तो सीट अपने आप अपने रो पे आके शिफ्ट हो जाएगी। आइए दोस्तों मैं आपको पीछे वाली रो में और दिखा देता हूँ, पीछे वाली रो में आपको कितना क्या स्पेस मिल जाता है। यहाँ से दोस्तों आप इसकी वाली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से आगे वाली सीट को एडजस्ट कर दिया। आइए दोस्तों मैं आपको पीछे और स्पेस दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने अपनी हाइट के हिसाब से आगे वाली सीट को एडजस्ट कर दिया था, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा नहीं स्पेस मिल जाता है। यहाँ दोस्तों आपको 2 AC के ब्लोअर मिल जाते हैं। यहाँ आप वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए हुए हैं। यहाँ दोस्तों आपको वेंटिलेटेड सीट के लिए स्विच मिल जाता है, पावर विंडो मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है। पीछे वाली रो में दोस्तों आपको कर्टन भी मिल जाता है, यहाँ हैंडल दिया हुआ है, यहाँ लाइट मिल जाती है। और दोस्तों इस वाली रो में आपको जो थाई स्पोर्ट है वो भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। थाई स्पोर्ट काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करवा रहा है। और पीछे वाली रो सीट में दोस्तों आपको विंग्स वाले जो हेडरेस्ट मिलते हैं काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं, लंबे रूट पे जाओ तो भाई काफ़ी रिलैक्स फील करवाते हैं। स्पेस की दोस्तों गाड़ी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पीछे वाली रो में दोस्तों आपको कैप्टन सीटें मिलती हैं, यहाँ आप आर्म रेस्ट मिल जाता है। दोस्तों जो हेड रेस्ट मिलते हैं वो आपको इसमें 6 मिलते हैं, 2 पीछे दिए, 2 बीच वाली रो में और 2 आगे दिए हुए हैं। दोस्तों यहाँ आपको रूफ के यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। जैसा कि आपको मालूम है मेरी हाइट 5'11", उसके बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और दोस्तों पीछे बीच वाली रो में जाना हो तो यहाँ से बीच से जाएंगे। और दोस्तों आइए दोस्तों मैं आपको पीछे वाली रो में और जाकर दिखा देता हूँ भाई कितना क्या स्पेस मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगा मैं थर्ड वाली रो में आ गया हूँ। यहाँ आपको कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ AC का ब्लोर दिया हुआ, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है,
और दोस्तों यहाँ रूफ के यहाँ भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है और नी के यहाँ भी दोस्तों काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। पीछे वाली रो में दोस्तों आप यहाँ से एसी के बोलेरो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में दोस्तों यहाँ आपको लाइट मिल जाती है। स्पेस की दोस्तों बीच वाली रो में किसी प्रकार की कमी नहीं, दो बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं। ये वाला वेरिएंट आपको 1500 सीसी के अंदर मिलता है, फोर सिलेंडर के अंदर काफ़ी पावरफुल इंजन है। फ्रंट में भी दोस्तों आपको इसमें कैमरा मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी काफ़ी प्यारी है और दोस्तों एवरेज का भी इस गाड़ी का मुकाबला नहीं, और लुक में तो ये गाड़ी किसी को जाने ही नहीं देती। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।